बिहार में कोसी नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और बर्बादी की क्या तस्वीरें हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में। और ये दरअसल सडीहा गांव है और गांव का जो ये संपर्क मार्ग है आप देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और ये दरअसल एक छोटी पुलिया थी जो इस सड़क को जो है वो जोड़ रही थी और ये पुलिया भी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जहां पर हम मौजूद हैं ये देख सकते हैं ये एक पुलिया का हिस्सा था, लेकिन कोसी में जब प्रलय आया उसके बाद जिस वेग से, जिस करंट से, जिस रफ्तार के साथ कोसी जो है वो पूरे गांव में इस गुजर रही थी तो पुल पुलिया जो है वो ध्वस्त होना शुरू हुए। और उसी कड़ी में ये जो गांव के अंदर जो सड़क पर बना हुआ छोटा पुलिया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बिहार में हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से बरसात के दिनों में बड़े बड़े पुल और कई पुलिया जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं और पानी में समा चुके हैं। और उसी कड़ी में इस बार जब कोसी में इतना पानी आया तो फिर एक बार वही तस्वीरें जो है वो सामने देखने को मिली जहां सड़क टूट गए और पुल पुलिया भी जो है इस तरीके के आप देख सकते हैं किस तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। और कई गांव का जो संपर्क है वो सहरसा जो मुख्यालय है उससे कट गया है और आप देखिए किस तरीके से लोगों को मुश्किल हो रही है इस एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। ये कब से ये सड़क कब टूट गया ये आप लोग इधर के नहीं है, इधर इधर आइए आप। ये कोसी में इतना पानी किस दिन आया जब पूरा ये जो पुलिया है ये टूट गया है, कब से? आज 3 रोज हुआ है। ये पुलिया कब टूटा? ये परसों टूटा। परसों टूट गया? कैसा कैसे टूटा? एकदम कोई सही पानी आया बस एकाएक टूट गया, एकाएक ध्वस्त हो गया। हाँ जी, तो देख सकते हैं परसों जिस तरीके से पानी आया उसके बाद ये पुलिया जो है वो टूट गया है और लोगों को जो है जबरदस्त जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोसी ने इस बार जो तांडव मचाया है उस बर्बादी की तस्वीरें हर तरफ नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के महिषी प्रखंड अंतर्गत सडीहा गांव में और सडीहा गांव में किस तरीके से बर्बादी की तस्वीरें हर तरफ नजर आ रही है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ दरअसल आप ये देखिए ये सड़क जो है ये सहरसा मुख्यालय को जोड़ता है और लेकिन ये गांव का सड़क देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से हाहाकार मचाते हुए कोसी नदी जो है वो पूरे उफान पर थी और जब कोसी नदी बह रही थी तो कई इलाकों में जो है पानी फैल गया, कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और उसके वजह से कई गांव हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर पुल पुलिया छोटे छोटे और सड़क जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। और इसी की तस्वीर यहां पर सडीहा में भी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं इस ग्रामीण सड़क का जो है वो टूट चुका है। अब इसको बनाने में कई कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी तरीके के हालात जो हैं कई गांव में बने हुए हैं जहां पर कोसी ने पिछले 48 से लेकर 72 घंटों में तांडव मचाया है और बर्बादी का ऐसा आलम है कि हर तरफ आप जिधर भी नजर घुमाएं ऐसा लगता है कि बर्बादी की तस्वीरें हर तरफ आपको दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा आज तक।